डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला की सेंसन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर जो असेसमेंट से रिलेटेड है नंबर 6 करने जा रहे हैं। ये सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 की 1 नवंबर की रहेगी। तो आपको अगर शीट मिलती है या आप शीट डाउनलोड करते हैं तो आप इसी में आंसर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पेजेस पे कर रहे हैं तो आपको पूरा नोट करना है, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं। तो 4 जो क्वेश्चन है वो तो एमसीक्यू में, ठीक है। बाकी आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस राज्य से तांबा आयात करते थे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे, राजस्थान, केरल, पंजाब और बिहार। तो आप इसका आंसर राजस्थान है, ठीक है। इसका आंसर राजस्थान बताएंगे, ठीक है। जिनको खुद पता है, वेरी गुड। ये सारे के सारे जितने भी असेसमेंट है ना, ये पुरानी वर्कशीट पर आते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या निम्नलिखित में से लोथल शहर किस राज्य में स्थित है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। तो लोथल जो है ना, उसे गुजरात कहा जाता है आज के टाइम पर, ठीक है। तो ये जो लोथल है गुजरात में था पहले, ठीक है। थर्ड है, निम्नलिखित में से मोहन जोदड़ो शहर के पास कौन सी नदी स्थित है। यार पाकिस्तान में, तो ये सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी इसका आंसर है, फोर्थ। 4 ऑप्शन दे रखे थे, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु। तो इसका आंसर जो है ना, वो है सिंधु। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश से हड़प्पा के लोग टीन धातु आयात करते थे, ठीक है। तो ईरान से करते थे, ठीक है, और एक अफगानिस्तान से करते थे, ठीक है। तो आप कोई से भी दो लिख सकते हैं, मतलब यहाँ तो ऑप्शन था तो वही आपको बताना था, तो ईरान आंसर है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, चीन, ओमान, ईरान या अफ्रीका। तो ईरान इसका आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, अब आपको इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से देखो, आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। अगर आपने इसमें गौर किया होगा तो 2 नगर तो इसी में आ गए, एक मोहनजोदड़ो आ गया, दूसरा लोथल आ गया, ठीक है। बाकी एक हड़प्पा भी है ना। तो इसका आंसर देखिए मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा, ये मुख्य शहर है, ठीक है। तो अब उसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन में है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से करते थे। ये पत्थरों की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए आप, तो जो बहुमूल्य पत्थर है ना, ईरान से, अफगानिस्तान से, ठीक है, ये इसका आंसर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आपको 2 ही लिखने हैं, तीसरा वाला मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है। ईरान और अफगानिस्तान आप याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया, ईरान और अफगानिस्तान ही है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं 7 क्वेश्चन कौन सा है। तो अगर आप 28 वर्कशीट देखेंगे ना, तो आपको और अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। अब 7 क्वेश्चन बोला गया कि अतीत को जानने के लिए किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। अगर हम अतीत को जानना चाहते हैं तो हम पत्थरों से, पुराने जो हैं औजारों से, अभिलेखों से, पाण्डुलिपियों से, बहुत सी चीज़ों से जान सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए आप, तो एक हो गया औजार, ठीक है। फिर दूसरे मैंने सिक्के, मूर्तियाँ आदि लिख दिया, ठीक है। आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखना चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों का विभाजन किस प्रकार था, मतलब नगर कैसे कैसे थे। तो इसका आंसर देखिए आप, अभी 3 मार्क्स का तो थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे, इन नगरों को 2 उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यहाँ पे आप 2 या लिख देना, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एक प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को प्रतिनिधियों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, ठीक है। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, और मतलब 2 हिस्से मेन थे इसमें, ऊपर वाले को दुर्ग और नीचे वाले को निचला नगर कहा गया, ठीक है। बाकी आप पूरा लिखेंगे क्योंकि 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जो गांव के लोग हैं ना, वो आजीविका के लिए क्या करते थे? तो इसका आंसर देखिए आप, क्योंकि 3 नंबर का थोड़ा बड़ा लिखना। हड़प्पा सभ्यता में लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों उगाते थे। क्योंकि हम से गांव के बारे में पूछा तो आपको ये लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए आप पूरा आंसर लिखना ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से में मिले महान स्नानागार का वर्णन कीजिए। जो महान स्नानागार था नहाने की जगह, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए आप, तो आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, मोहनजोदड़ो जिसमें खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट लोग विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा आपको समझा दिया और शादी वर्कशीट भी पूरी कंप्लीट करवा दी जो असेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी सारी भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। दो बज गए, चलो अब आगे की बना लेते हैं। पता नहीं बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, इतनी मेहनत लगती है।